अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है टेक ग्रिप। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज वाले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने फेसबुक पर कोई भी स्टोरी लगाने के लिए जाते हैं लेकिन गाइज वहां पर हमारी स्टोरी नहीं लग रही है, वहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी इशू फेस हो रहे हैं, तो आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 101% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस वीडियो पर, आपको बता देते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसको आपको चेक करना है कि आपके इंटरनेट की स्पीड प्रॉपरली आ रही है या नहीं। उसके लिए आपको एक बार अपने एयरप्लेन मोड को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर आपको एरोप्लेन मोड दिखाई देगा, एक बार इस पर आपको इनेबल कर लेना है, फिर आपको अगेन इस पर टैप करना है, जिसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा और जो आपके इंटरनेट स्पीड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से फिक्स हो जाता है। यहाँ से गाइज अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ठीक है, नहीं तो गाइज आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर गाइज आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ ऊपर ही आपको एक सर्च बार दिखेगा, सर्च बार में आपको सर्च करना होगा फेसबुक। जैसे ही ऊपर आप फेसबुक सर्च करते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट देखने को मिलती है कुछ इस तरह से, तो आपको अपने फेसबुक को अपडेट कर लेना है। क्या होता है दोस्तों, कई बार हम लंबे समय तक अपने फेसबुक को यहाँ से अपडेट नहीं करते हैं तो गाइज इसकी वजह से भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट वाला ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको यहाँ से बिल्कुल बैक आ जाना होगा, जो आपके मोबाइल की सेटिंग है इस पर क्लिक करना होगा और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐप्स वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैनेज ऐप्स वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सर्च बार में सर्च कर देना है फेसबुक, तो फेसबुक वाली एप्लीकेशन निकल कर आपके सामने आ जाएगी। आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, फोरस्टॉप, अनइंस्टॉल, क्लियर डाटा। तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, यहाँ से करना है इसका क्लियर कैच, ऐप परमिशन पर आना है और यहाँ से जितनी भी परमिशन है इनको आपको अलाउ रखना है। ये कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपनी स्टोरी को डालकर देख लेना है, अगर आपकी स्टोरी अच्छे से अपडेट हो जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो गाइज आपको अगेन यहीं पर आना होगा और इस बार गाइज आपको करना होगा इसका क्लियर ऑल डाटा। तो गाइज आपको इस स्टेप फॉलो करने से पहले आपको याद रखना है कि आपको दोबारा से फेसबुक पर लॉगिन करना पड़ेगा और जिसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड याद है तभी गाइज आप अपने फेसबुक को यहाँ से क्लियर डाटा कीजिएगा। ये कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बिल्कुल बैक आना होगा और अपने मोबाइल को कर देना है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको अगेन अपने फेसबुक को ओपन करना है और यहाँ पर चेक करना है कि आपकी स्टोरी अपडेट होती है या नहीं। अगर फिर भी आपकी स्टोरी अपडेट नहीं होती है तो फाइनली दोस्तों आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी और रिपोर्ट के लिए आपको जो आपकी फेसबुक है उसको ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन कर लेने के बाद आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है। अगेन आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ पर फेसबुक की तरफ से आपको एक ऐसा सेक्शन दिया गया है जहाँ से आप रिपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर स्टोरी वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक नया पेज आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका स्टोरी से रिलेटेड इशू है उसको आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्रॉस आइकन पर क्लिक करना है और ऐड इमेज पर क्लिक कर देने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ अटैच कर देना है और एरो बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो फेसबुक टीम के पास पहुँच जाती है और बहुत ही जल्दी इसका सोल्यूशन कर दिया जाता है। ये कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बिल्कुल ही बैक आ जाना होगा और बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ दिन का इंतजार करना है, जिसके बाद ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज वाले इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो की हेल्प से आपकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।